Hi friends, this is Arjun. Welcomes you on our own YouTube channel General Science by Prakash Lega. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द एडजेक्टिव्स. हमारा टॉपिक है द एडजेक्टिव. विशेषण. ओके, टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हम आप कुछ डिस्कस करते हैं कि जो पहले के हमारे वीडियोस थे और जो आज का वीडियो है उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बल्कि हम जनरल अंडरस्टैंडिंग पर बातें कर रहे हैं कि इंग्लिश में जैसे पहला हमारा टॉपिक था द सेंटेंस, कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के प्रकार के कौन कौन से होते हैं, वाक्य के पार्ट्स क्या क्या होते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट वो हमने डिस्कस किया था. तो वैसे ही आपको धीरे धीरे वाक्य की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. उसके बाद में आप उसको डिवाइड कर करके तोड़ तोड़ करके अगर आपको पता रहेगा कि इसमें ये नाउन है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक सेंटेंस है राम इज ए गुड बॉय. इसमें जैसे अभी हम अगर आपको वाक्य अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आपको सबसे पहले वाक्य को देखते ही आपको पता रहेगा कि राम नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ए आर्टिकल आ गया, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है गुड क्या हो गया एडजेक्टिव, बॉय क्या है फिर से नाउन. अगर आपको जब सेंटेंस की एक एक चीज के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपको जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा कि इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन सा है तो आपको इजीली पता चलेगा कि गुड है वो क्या कर रहा है, जो नाउन बॉय है उसकी विशेषता बता रहा है कि जो राम है वो एक अच्छा लड़का है. ठीक है, इसलिए अभी हम ओनली अंडरस्टैंडिंग की बातें कर रहे हैं कि इंग्लिश में क्या हो रहा है, कैसे बोलना है, क्या लिखना है, क्या टॉपिक है. ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे सेंटेंस हो गया. और आज हमारा टॉपिक है फिर द एडजेक्टिव, उसमें क्या क्या होता है. ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं. जैसे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे कि डेफिनेशन क्या होती है एडजेक्टिव्स की. जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या है, सीता इज ए क्लेवर गर्ल. इसमें क्या हो रहा है, सीता इज ए क्लेवर गर्ल, सीता है वो नाउन आ गया. ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब आ गई. ठीक है, फिर आ गया ए, ए क्या आ गया आर्टिकल. फिर ये बात बचता है क्लेवर गर्ल के बारे में आपको पता ही है क्या है नाउन, बिकॉज वो एक पर्सन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए नाउन. तो ये हो गया एडजेक्टिव. अब इसमें आप देखो क्या हो रहा है कि क्लेवर वो उसके जस्ट बाद गर्ल नाउन आ रहा है, जो नाउन है वो क्लेवर को फॉलो कर रहा है. ये चीज हमें ध्यान में रखना है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमें एक आंसर मिल रहा है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल चीता इज. ठीक है, वो हमें देखना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा है राइट, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सीता इज, सीता किस प्रकार की लड़की है. तो हमें इसका आंसर मिल रहा है सीता इज ए क्लेवर गर्ल, सीता एक चतुर लड़की है. ठीक है, इस पे हमें देखना है. तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल हो गया, फिर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की. ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें है आई डोंट लाइक दैट बॉय. अभी इसमें आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि एडजेक्टिव कौन सा है, क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए. क्यों, बिकॉज यू नो आई इज ए सब्जेक्ट नाउन, डोंट इज ए हेल्पिंग वर्ब, लाइक इज ए वर्ब, देन रिमेनिंग दैट, दैट क्या है, और बॉय यू नो दैट इज ऑलरेडी नाउन. सो ये हो गया एडजेक्टिव. अब इसमें क्या हो रहा है, आई डोंट लाइक दैट बॉय, विच बॉय, इसमें हो रही कौन से लड़के को नहीं पसंद है, तो दैट बॉय. ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, हमें विच बॉय का आंसर मिल रहा है,
दैट, तो एडजेक्टिव क्या हुआ दैट, समझ में आ रहा है ना जी। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसकी हम बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि और डीपली जाएंगे, ठीक है। ही गेव मी 5 mangoes, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ही गेव मी 5 mangoes, उसने मेरे को 5 आम दिए, तो आम दिए कितने दिए 5, विशेषता बता रहा है राइट, आम के बारे में बोल रहा है कि कितने आम थे 5, तो ये हो गया फिर से एडजेक्टिव। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो ना, सारे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव है उसके बाद में नाउन आ रहा है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में नाउन ही आता है, या फिर एडजेक्टिव लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है। फिर अब इस चीज से हमारी डेफिनेशन बन के निकल रही है, आपने देखा तीनों सेंटेंस देख लिए, इनको अच्छी तरीके से समझ लिए, इसमें व्हाट काइंड ऑफ गर्ल के बारे में बोल रहे हैं, तो वो सीता वो क्लियर हो गई। फिर हो गया विच बॉय दैट बॉय, ठीक है। फिर हाउ मेनी मैंगोज, ओके, इसमें हमें क्या मिल रहा है, हाउ मेनी का जवाब, हाउ मेनी मैंगोज, सो वी कैन से 5 mangoes, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है 5, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सो अभी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि एडजेक्टिव किस चीज को कहते हैं, राइट। सो इसमें है कि एडजेक्टिव, ठीक है, अभी हमने 3-4 एग्जांपल लेके देखे, उनमें देखा कि जो नाउन की विशेषता बता रहे हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, राइट। जैसे पहले सेंटेंसेस में था, पहले सेंटेंस में था क्लेवर, जो सीता के बारे में बता रहा था कि सीता एक क्लेवर लड़की है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल आया मैंगोज वाला, जिसमें कितने आम की बात हो रही थी 5 की, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, वही हमें देखना है कि जो एक वर्ड, ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट दैट पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब वो वर्ड जो नाउन के साथ यूज हो रहा है और उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, कि उसके बारे में मीनिंग ऐड कर रहा है उस नाउन के बारे में, कि कितना हो गया, क्या है, व्हाट, विच, वो सारे डिटेल बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं डेफिनेशन बताता हूं, द एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज विद ए नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट ए पर्सन प्लेस और थिंग, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ओके। अभी आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, द एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट ए पर्सन प्लेस और थिंग, वो वर्ड जो नाउन के साथ यूज होता है और जिसमें क्या हो रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है और पॉइंट आउट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जयपुर इज ए लार्ज सिटी, उसमें क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बोल रहा है कि वो एक लार्ज, बहुत बड़ी बड़ा शहर है, ठीक है, वही चीज है एडजेक्टिव, ठीक है। अब ज्यादा मत सोचिए, एकदम सिंपल है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा हो रहा है कि वो वर्ड, वो शब्द जो नाउन के साथ यूज हो रहा है, हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। टू डिस्क्राइब और पॉइंट, ओके, एडजेक्टिव्स का एक मतलब और होता है एडेटिव, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का मीनिंग जो होता है उसका मतलब है एडेड टू, मतलब कुछ ऐड करना, मतलब नाउन के साथ, नाउन पे आप कुछ ऐड करते हो वही एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। जैसे आई एम ए टीचर, तो ओके आई एम ए बॉय, आई एम ए गुड बॉय, ठीक है, तो जो गुड है वो क्या हो गया, वो ऐड हो गया किसके साथ, बॉय के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल हो गया। आई गिव एग्जांपल, आई एम
ए गुड बॉय। ओके, ये ऐसे भी बोला जा सकता था कि आई एम ए बॉय। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें देखो, आई एम ए गुड बॉय, इसमें क्या बोला कि जो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ठीक है, और इसमें बोला मैं एक लड़का हूँ जो अच्छा है। वो क्या हो रहा है, इस लड़के के साथ इस लड़के को डिफाइन कर रहा है, जो नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है कि जो नाउन है वो लड़का तो है, ठीक है, वो लेकिन वो अच्छा लड़का है। यहाँ पर बेड भी हो सकता है, ठीक है, पूरा। तो इसमें जैसे ये एडेड टू, इसका मतलब है जो बॉय में कुछ ऐड होना, तो बॉय लड़का है, उसमें कुछ ऐड हुआ तो क्या हुआ, अच्छा लड़का हो गया, कुछ ऐड हुआ तो क्या हुआ, बुरा लड़का हो गया। तो वही है एडजेक्टिव और कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं एडजेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चंस। अगर आपकी सारी डिटेल में अगर चीजें अंडरस्टैंडिंग अगर समझ अच्छी है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स के प्रकार। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ये फर्स्ट है। इसमें हम देखते हैं कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो किसके बारे में बात करते हैं, हर एक चीज की क्वालिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है। इट शोज ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो क्या कहेगा, इट शोज क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में क्या हो रहा है, इट शोज क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इस जो मैं इस एडजेक्टिव के जो फर्स्ट पार्ट टाइप है उसमें हमें क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, पर्सन की क्वालिटी में, प्लेस की क्वालिटी में, थिंग की क्वालिटी में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जयपुर इज ए बिग सिटी, तो इसमें हमें जयपुर की क्वालिटी के बारे में किस चीज से पता चल रहा है, आप गेस कीजिए, एक बार सोचिए कि किस चीज से हमें पता चल रहा है कि हम जयपुर की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। जयपुर इज ए बिग सिटी, इसमें जो बिग है उससे हमें पता चल रहा है कि जयपुर वो एक बड़ा शहर है, ठीक है। तो ये हमें इसकी क्वालिटी के बारे में पता चल रही है, ठीक है। तो ये जो बिग है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है। और फिर हमारे जो महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में क्या है, जो बिग है उसके जस्ट बाद में क्या है, नाउन, जो कि एक सिटी सिटी है, ठीक है। तो हमें ये चीज बैठानी है दिमाग में कि एडजेक्टिव के बाद नाउन ही आएगा। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो एडजेक्टिव आया वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अभी हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या हो रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, इट शोज क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में जो बात करता है वो क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इट शोज क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, मतलब किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में, जैसे हाउ मच, कितना, जो कितने की बात करता है वो क्वांटिटी। इसमें हम एग्जांपल देते हैं कि I ate some rice. Okay, इसमें अब आप सॉरी
आई एट सनराइज। इसमें देखिए आप, आई एट सनराइज, इट शोज क्वांटिटी ऑफ ए थिंग। क्वांटिटी क्या हो रही, किस राइस की है, ठीक है, राइस नाउन है, इसकी क्वांटिटी क्या है, सम, कितने, आई एट सम राइस, मैंने कुछ राइस खाई, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ कि कुछ कितने, सम, कुछ एक राइस खाई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या हो रहा है, जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है उसमें हमें किसी मात्रा का होना उसके बारे में पता चल रहा है कि मैंने राइस तो खाया है लेकिन कुछ राइस खाया है, ठीक है। तो उसमें क्वांटिटी का पता चल रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे, इनमें ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओके हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यार कौन सा क्वालिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स की हम बात करते हैं, उसमें देखिए एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, सीधी सी बात आ गई, जब नंबर की बात आ रही है तो हमें सोचना ही नहीं है कितने, हाउ मेनी, जिस भी सेंटेंस में हाउ मेनी की बात हो रही है वो समझ लिए कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होगा, सिंपल एंड शॉर्ट, इतना सा सोचना है, जिसमें हमें नंबर की बात आ रही, हाउ मेनी की बात आ रही, उसमें एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एक ही चीज है, ठीक है, न्यूमरल और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एक ही चीज है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, शोज, इट शोज हाउ मेनी पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स। जिस एडजेक्टिव्स, जिस सेंटेंस में हाउ मेनी पर्सन प्लेस और थिंग की बात हो रही है उसको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, दी हैंड हैज फाइव फिंगर, द हैंड हैज फाइव फिंगर्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, द हैंड हैज फाइव फिंगर, सबसे पहले तो इसमें एडजेक्टिव्स को ढूंढिए कि कौन सा एडजेक्टिव है, तो जैसे द हो गया, ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल, हैंड की बात आ गई, हैंड क्या होगा, नाउन, ठीक है। फिर हैज आ गया, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, थ्री फाइव, थ्री फिंगर्स, फिंगर्स क्या होगा, नाउन, यू नो, राइट। बाकी रहा फाइव, तो फाइव है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव कौन सा होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, बिकॉज इट शोज नंबर, हाउ मेनी फिंगर्स, फाइव, राइट। जब पांच की बात हो रही है, पांच उंगलियों की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, इसमें पूछा गया हाउ मेनी फिंगर्स, फाइव फिंगर्स, सो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव, एकदम इजी है, ठीक है। आप पैनिक ना होइए, आराम से इसको इजी तरीके से पढ़िए, सारी चीजें समझते आप चले जाएंगे। जैसे ही आपको पूरे सेंटेंस का ज्ञान होगा, आपको उस सेंटेंस में पूछा गया सारे क्वेश्चंस आपको एकदम फिंगर्स पे आ जाएंगे, आपको कि ये 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 ये, ओके, कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल नंबर दो, इसमें क्या है, देखो, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, ओके, इसमें भी क्या हो रहा है,
नंबर का बोध हो रहा है राइट। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, पहली बार तो सेंटेंस को पढ़िए, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। ओके बात करते हैं संडे, संडे क्या होगा नाउन। ओके फिर आ गया इज हेल्पिंग ऑफ द आर्टिकल, फर्स्ट आपको बताना होगा ठीक है, गेस कीजिए क्या होगा। फिर डे आ गया, फिर क्या हो गया नाउन, फिर ओके और फिर अब बात करते हैं फर्स्ट की ठीक है। जो फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, हाउ मेनी डेज फर्स्ट, विच डे इज संडे फर्स्ट डे ठीक है। सो इसमें क्या हो गया, फिर ये आर्टिकल आ गया। अब आर्टिकल कौन सा, न्यूमेरल आर्टिकल। ओके एक चीज ये, और दूसरी चीज आप इसको, आपको इस सेंटेंस से क्या सीखने को मिल रहा है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग हैं वो सोचते हैं कि जो मंडे वही पहला दिन होता है, जबकि ऐसा नहीं है, जो संडे है वो पहला दिन होता है वीक का। संडे से स्टार्टिंग स्टार्ट होती है डेज की, ना कि मंडे से ठीक है। इस चीज को आप जनरल नॉलेज के लिए रखिए, कहीं पर भी काम आ सकते हैं ठीक है। क्या है कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में, दो टाइप के नंबर होते हैं, फर्स्ट है ऑर्डिनल नंबर, सेकंड है कार्डिनल नंबर। उसके बारे में देखिए वो क्या होते हैं ठीक है। फर्स्ट है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं ठीक है एग्जाम्स के अंदर। बिकॉज ये दोनों क्या है कि हम अपने डेली लैंग्वेज में हम यूज करते हैं इन दोनों नंबर्स को, ऑर्डिनल नंबर्स को और कार्डिनल नंबर्स को, जब लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन सा है वो ऑर्डिनल नंबर है और कौन सा है कार्डिनल नंबर। तो इसलिए हमें सीखना, फर्स्ट देखिए ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर में क्या सो रहा है ऑर्डर ठीक है। आप इतनी सी ट्रिक यूज करना है ऑर्डर। ओके ऑर्डर को डिफाइन कैसे करते हैं आप सोचिए एक बार, नंबर्स में करें या एक एक नंबर पे ऑर्डर, दो नंबर वैसे नहीं कर सकते, वन टू भी नहीं कर सकते। तो ऑर्डर कैसा होगा, फर्स्ट सेकंड राइट थर्ड, जो ये नंबर है वो हो गए ऑर्डिनल नंबर्स। सिंपल, ज्यादा नहीं देखना है, ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जिनमें हमें ऑर्डर में कुछ पूछा गया हो ठीक है। ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप क्लास में आपका रैंक आता है फर्स्ट रैंक, तो उसमें क्या ऑर्डर है, आप फर्स्ट ऑर्डर में आ ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर्स की, जो बाकी नंबर्स हैं वो कार्डिनल नंबर्स होंगे। कार्डिनल नंबर्स कौन से होंगे, वन टू थ्री, जो ये नंबर्स हैं वो कार्डिनल नंबर्स हो गए ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या क्या होता है, जो हमें बताता है पॉइंट आउट विच पर्सन और प्लेस और थिंग, जो किसी की तरफ पॉइंट आउट करके बोले जाते हैं वो होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। पॉइंट आउट का मतलब आपको तो पता है, जैसे ये लड़का या वो लड़के, वो जो सारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो किस में आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव्स के अंदर। जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में पॉइंट आउट विच पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी वो शहर बहुत अच्छा है किसके बजाय इस शहर के बजाय, तो उसमें जो बात हो रही है वो शहर, वो होता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। बहुत सिंपल है ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, This boy is stronger than Hari. ये लड़का है वो हरी से काफी stronger है ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, This boy, जो this है वो क्या है demonstrative हो गया। फिर बात करते हैं That boy is industrious. जो that boy is industrious. How many of you know the meaning of industrious? Industrious का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग ठीक है। दैट बॉय इज हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस है जो मॉडर्न वर्ड है, जो हार्ड वर्किंग जो होते हैं उनके लिए ही यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। सो इसमें क्या हो गया, तो दैट है वो हमारा हो गया एडजेक्टिव्स, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में यूज हो गया। फिर है दीज मैंगोज आर सो, जो ये आम है ये खट्टे हैं राइट। तो इसमें जो दीज है वो क्या हो गया demonstrative adjectives। इस फिर वही चीज जो हमने पहले स्टार्टिंग में करी थी कि जो सारे जो adjectives है उसके बाद में noun आता है ठीक है। इसमें क्या है boy, ये एक noun है ठीक है। फिर इसमें boy, ये भी noun है। फिर ये mangoes, mangoes भी क्या है noun है। आप इस चीज को
नहीं बोलना है, ठीक है, ये रिमेम्बर रखना है, ठीक है। अब एक बात करते हैं हमें कि ये दिस और दैट कैसे यूज करते हैं सर, जैसे दिस बॉय तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं दैट बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, ये दिस यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं दिस बॉय इज इंडस्ट्रियस। इसकी मैं बताता हूँ, जो दिस और दैट है वो एक हमें रिमेम्बर रखना होगा, ये डिस्टेंस के रूप में यूज होते हैं, दूरी के हिसाब से दिस और दैट को यूज करते हैं। जो मेरे जो ये ज्यादा होगा, जो मेरे पास में होगा उसके लिए हम यूज करेंगे दिस, दिस इज दिस, दिस इज रवि, ओके। इफ रवि इज हियर देन आई विल से दिस इज रवि, एंड इफ मनीष इज सिटिंग बिहाइंड देन आई से दैट इज मनीष। मतलब जो पास में है उसके लिए दिस यूज होगा, जो दूर है उसके लिए दैट यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें जो कंपेयरिंग करें, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, तो दिस बॉय जो बॉय पास में खड़ा है उसकी और हरी के बारे में हम कंपेयर कर रहे थे कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, ये लड़का हरी से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अभी हम दैट बॉय की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, जो दैट है वो जो बॉय है वो हमारे पास में नहीं है, दूर में, दूर है, इसलिए हमने दैट यूज कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल इसके बारे में, ये जो है ना ये क्वेश्चंस, इनसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिस और दैट, कि यहाँ पर दिस यूज होगा या फिर दैट यूज होगा। और चीज ये भी याद रखना है कि जो दिस और दैट, दिस और दैट सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होते हैं, और दीज और दोज है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है, ये आपको रिमेम्बर करना, ठीक है। जैसे दिस यहाँ पर बॉय सिंगुलर था इसलिए दिस यूज हो गया, यहाँ पर बॉय सिंगुलर था इसलिए दैट यूज हो गया, जबकि मैंगोज क्या था, प्लूरल था, ठीक है, तो दीज यूज हो गया, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अभी इंटरोगेटिव देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चंस के पूछने का बोध हो उस सेंटेंस में जहाँ एडजेक्टिव्स हो रहा है उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे, ठीक है। जैसे ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में तीन ही है, ठीक है, व्हाट, व्हिच और हूज। जब ये तीनों किसी नाउन के साथ में यूज हो गया, अगर किसी क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं तो समझिए उसमें क्या है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे What, which, whose, when they are used with noun to ask question, जब ये सब किसी noun के साथ में प्रयोग करके question को पूछते हैं, जो adjective होता है वो interrogative adjective होता है, ठीक है। Example मैं देता हूँ, जैसे whose book is this, इसमें क्या रहा है, जो whose है वो क्या है, book के साथ use हो रहा है, noun के साथ use हो रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, questions के पूछने का बोध हो रहा है, right? Whose book is this? वो book, ये किताब किसकी है? तो जो इसमें whose है वो क्या हो गया? Interrogative adjective, आइए, ओके, interrogative adjective हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं next की, which way shall we go? Which way shall we go? हमें कौन से रास्ते जाना चाहिए, ठीक है? इसका हिंदी अनुवाद तो ये हो गया, ठीक है। बट इसमें भी क्या हो रहा है, जो विच है वो वे के साथ में यूज हो रहा है, वे क्या है, रास्ता, रास्ता, ठीक है, तो वे है नाउन और फिर ये विच है वो हो गया एडजेक्टिव। अब ये विच नाउन के साथ में यूज हो रहा है और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है उसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, क्या है, जो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है उसमें जो whose यूज हो रहा है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, इसमें जो which है वो इंटरोगेटिव हो गया। मतलब इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव्स है वो तीन ही होते हैं बेसिकली, what, which और whose। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।